कागरोल हक की रकम अदा कर तलाक लेने के बाद भी युवक पर कार्रवाई करना लड़की पक्ष को भारी पड़ गया। युवक के परिजनों ने कोर्ट की शरण लेते हुए युवती और उसके परिजनों पर विश्वासघात और ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें से 9,80,000 रुपए भरण पोषण के हमने जो है डीजी के माध्यम से अदा कर दिए। सारा सामान था उसका भेजा, वो हमने वापस कर दिया। उसका हमारे पास सीडी भी है सर, 1 घंटे का। और उसके बाद सर जो है गवाह भी हमारे पास मौजूद है, उनके माध्यम से जो है निपटारा हुआ था। और फिर शपथ पत्र भी बना हुआ है दीवानी में। फैमिली पोस्टमेंट डिग्री के लिए जो फॉर्म भी अप्लाई किए हुए सर, दावा हमारा वहाँ लगा हुआ है डिग्री के लिए, डिग्री की डिग्री हुई है और शपथ पत्र बने हुए हैं हमारे पास। एग्रीमेंट जो हुआ है दोनों की सहमति से, जो एग्रीमेंट में शर्त हैं वो सारी हमने पूरी कर दी गई सर। और शरीयत के माध्यम से जो हमारा तलाक होता है मुस्लिम लीडर बातचीत के वो जो है तलाक हो गया था। अच्छा, ये जो मुकदमा आपने डाला है किन किन धर्मों में डाला गया है? जी सर, जी इसमें 420, 120B, 406 जो कि धोखाधड़ी मेरे साथ करी है। उसके बाद इन लोगों ने 78/22 मेरे खिलाफ जो है उसमें मार्च में मुकदमा 2022 में लगा दिया, जो कि 2000 का है, वो सरासर गलत है, अवैध है। उसके जो अपेक्षा जो है उसके खिलाफ जो आदेश न्यायालय ने करे है आदेश मुकदमे के, और इनके खिलाफ मैंने मुकदमा पंजीकृत कराया था। हमें 333 अपराध सर। दहेज का सारा सामान आपने उनको वापस कर दिया है? जी सर, सारा सामान एक चम्मच सारा हमने वापस कर दिया। वो हमारे पास सीडी भी है और गवाह भी मौजूद है सर, 1 घंटे का वीडियो बना था। इस तरह के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, धोखाधड़ी के लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सख्ती से। मैंने मुकदमे का काम किया है, इनके खिलाफ प्रशासन जो कार्रवाई करेगा सर। ठीक है, धन्यवाद।